नमस्कार दोस्तों, नो बकवास टेक की बात मैं पीके आपके साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ क्लॉथ हैंगर। ये देखिए, ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, इसकी रस्सियाँ जो हैं वो सड़ चुकी हैं, और ये देखिए दो तीन पाइप भी जो हैं वो टूट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे इसको रिपेयर। इसे रिपेयर करने के लिए मैंने ऑनलाइन यह सेट मंगाया है, ये अमेजन से 450 रुपये का मैंने मंगाया है। आपको यह नियरेस्ट हार्डवेयर के शॉप में भी मिल जाएगा 350-450 के बीच। तो इसमें सिर्फ रस्सियां हैं और कुछ कैप्स हैं, इसे मैं खोल कर आपको दिखाऊंगा और इसे लगाना भी आपको बताऊंगा कि इसे कैसे लगाते हैं। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि इसे कैसे लगाना है। सबसे पहले मैं इन सारे 6 के 6 पाइप्स को निकालूंगा और इन सारी रस्सियों को काट कर अलग कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि इस पैकेट के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इसके अंदर से हमें ये नायलॉन की जो रस्सियां हैं ये 6 मिलती हैं, और यहाँ पर हमें मिलते हैं कुछ प्लास्टिक के कैप्स। इसमें जो राउंड शेप का आप देख रहे हैं वो हमारे पाइप के दोनों एंड पे लगेंगे, और ये जो कॉनिकल शेप वाले हैं वो लगेंगे हमारी रस्सियों के एंड पे उनको रोकने के लिए। अब चलिए करते हैं इसको सेट। तो सेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 पाइप्स की जगह को खाली कर लिया है, और उन 3 पाइप्स को लेकर मैं आ गया हूँ अपने घर के अंदर। अब यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले पाइप की सेटिंग। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, पुराने वाले कैप को निकाल देना है। बहुत दिनों से पाइप में लगे होने के कारण ये जाम हो गया है, तो इसको निकालने के लिए अब दूसरे तरीके का उपयोग करना पड़ेगा। इस तरीके से मैं इसे ठोक ठोक कर बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से निकल गया। कैप निकलने के बाद अब हम उठा लेंगे एक रस्सी के बंडल को, और उस बंडल में से उसके एक छोर को निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान दें कि रस्सी उलझनी नहीं चाहिए, तो इसलिए काफ़ी आराम से इसे खोलकर इसके एक एंड को, एक सिरे को ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं एक सिरे को निकाल लेता हूँ। तो रस्सी का एक सिरा ढूंढने के बाद हम ऐसी वाली एक कैप लेंगे, और उस कैप में इसे ऐसा डालकर इधर से निकाल लेंगे, और अब इसे हमारे पाइप के किसी एक एंड के छिद्र में डालकर इसे भी इधर से निकालेंगे, और निकाल कर उसे हम उसके अंदर गांठ बना देंगे। गांठ बनाते वक्त ध्यान रखेंगे कि जो हम गांठ बनाएं वो काफ़ी टाइट हो, और काफ़ी बड़ा भी ना हो, इतना ही बड़ा हो कि वो उस पाइप के डायमीटर के अंदर घुस सके। तो आप अपने मन मुताबिक 2 से 3 गांठ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 गांठें बना दे रहा हूँ, और 3 गांठें बनाने के बाद इसे ऊपर से ऐसे खींचे और उस गांठ को पाइप के अंदर पूरी तरीके से घुसा दें। और यहाँ पे जो सबसे पहले साइड कैप लगाया था रस्सी के अंदर, उसे यहाँ लाकर पाइप में यूँ इसको दबा दें। थोड़ा हल्का प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पर हल्का आपको टैप करना पड़ सकता है, और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ से ही हो जाए। ये देखिए, लगाने के बाद मैं इसे अब ऐसा खींच देता हूँ। ये देखिए, ये अब हो गया पूरी तरीके से सेट। यहाँ पे ध्यान देंगे कि अभी सिर्फ एक ही एंड पे लगाना है, दूसरे एंड पे अभी नहीं लगाना है, तो आप भूल के भी दूसरे एंड पे ना लगाएं। इस पाइप में एक छोर पर ऐसे इस रस्सी को लगाने के बाद हम आ जाएंगे बाहर अपनी बालकनी में, और इस रस्सी के दूसरे छोर को उधर से घुसाते हुए आपको नीचे लटका लेना है दूसरे एंड को। तो यहाँ पर मैं सीढ़ियों का प्रयोग कर रहा हूँ। सीढ़ी लगाकर मैंने, देखिए, एक रस्सी के दूसरे छोर को बाहर से अंदर की तरफ यूँ खींच लिया, और खींचने के बाद अब मैं आ गया हूँ लटकनी के दूसरी तरफ, और इस दूसरी तरफ आपको अंदर से बाहर की ओर रस्सी के दूसरे छोर को निकाल के ऐसे यूँ सीधा कर लें, टाइट कर लें। अब फिर से वापस उसी छोर को बाहर से अंदर की तरफ घुसाना है। ये देखिए, मैं बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ पर भी आप इस छोर को इतना खींच ले कि यह नीचे आराम से आप उसको पकड़ पाएँ। तो ये देखिए, मैं खींच कर इसे बराबर कर देता हूँ, और ये दूसरी हाथ में जो 2 रस्सियाँ आप देख रहे हैं उसे आप कहीं फंसा दें। तो चलिए, मैं इसे नीचे वाले पोर्शन में इसको फंसा देता हूँ इस तरीके से, ताकि ये वापस झूल कर ऊपर ना चला जाए। देखिए, इस तरीके से फंसाने के बाद अब मैं फिर से दूसरे एंड को अब पाइप के दूसरे एंड वाले छिद्र में घुसा दूंगा। उससे पहले जैसे मैंने किया था कि पहले आपको प्लास्टिक का एंड कैप घुसाना है, एंड कैप घुसाने के बाद फिर पाइप के दूसरे एंड में जो छिद्र है उसके अंदर डालकर बाहर से उसमें गांठें बांध देनी है, सेम एज जैसा हमने पहले वाले पाइप के एंड में किया था। तो अब इस असेंबली का जो हमारा पहला पड़ाव है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर। दूसरे पड़ाव में हमें लगानी है रोकनी।
यानी कि हमें कॉनिकल कैप को लगाना है। कॉनिकल कैप को लगाने से पहले हम इस पाइप को ऊपर की तरफ खींच के इसे बैलेंस कर लेंगे, दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे, एकदम एग्जैक्टली बराबर कर लेंगे। अब यहाँ नीचे लटक रही रस्सी में हमें लगाना है मार्क कि हमें गांठ कहाँ बांधनी है, तो इसलिए मैंने पहले इसमें मैन्युअली एक गांठ बांधकर लेंथ को एडजस्ट करके चेक कर लिया कि हमें गांठ कहाँ बांधनी है। तो यहाँ हमें दो सेटिंग्स करनी होती है, दो लोकेशंस पे हमें गांठ बांधनी होती है, तो उन दोनों ही लोकेशंस को मैंने मार्क कर लिया है। और अब गांठ बांधने से पहले हम उसमें अपने इस कोन को इंसर्ट करेंगे। तो कोन को इंसर्ट करने का जो तरीका है वो आप दोनों ही तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी जिसमें कोन का जो नुकीला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा, या फिर आप एक दूसरे तरीके से भी उसे इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें कोन का जो नुकीला पोर्शन है वो नीचे की तरफ भी रह सकता है। तो इस तरीके में मैंने पहले कोन को ऊपर की तरफ रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी काम कर रहा है, लेकिन इस लटकनी में जो पुरानी सेटिंग थी उसमें कोन जो है वो ऊपर की तरफ था, लेकिन अभी मैं कोन को नीचे की तरफ करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये दूसरी सेटिंग है, उसी रस्सी को मैंने वापस से खोल कर इसमें कोन को मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाली सेटिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर भी गांठ बांधते वक्त आप ध्यान रखें कि गांठ जो है वो काफ़ी टाइट होनी चाहिए। अब देखिए, कोन का जो चौड़ा वाला पोर्शन है वो ज़्यादा अच्छे से रस्सी को रोक पा रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ नीचे भी ये काफ़ी अच्छे से लॉक हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से कोन को तो ऐसे ही लगाना चाहिए, या फिर आप कोन को आप सीधा भी लगा सकते हैं, नुकीला पोर्शन भी आप ऊपर रख सकते हैं, दोनों में ही कोई ख़राबी नहीं है, दोनों ही ढंग से अच्छे से काम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे एक लटकनी की सेटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बाकी के पांचों की भी इसी प्रकार से सेटिंग कर दूंगा। एक एंड पे ऑलरेडी मैंने कैप लगाकर गांठ बांधकर रस्सी सेट कर दी है, और अब मैं एक एक करके इन पांचों को भी इसमें सेट कर दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे नंबर एक को मैंने किया था। चलिए रिविज़न कर लेते हैं। सबसे पहले पाइप के एक एंड के छिद्र में रस्सी को फंसा कर कैप लगा देनी है, फिर रस्सी के दूसरे छोर को ऊपर लगे एक बाहरी फ्रेम में बाहर से अंदर की तरफ रस्सी के दूसरे छोर को इंसर्ट करना है, फिर उसके बाद आपको पहले छोर में उसी रस्सी को अंदर से बाहर की ओर और फिर बाहर से अंदर की ओर इंसर्ट करके उसी एंड को एडजस्ट करने के बाद लेंथ को पाइप के छिद्र में दूसरी एंड पर लगा देना है। मुझे पता है मेरी बकबक आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए आप वीडियो के पहले पोर्शन को देख लें और उसी तरीके से बाकी के 6 पाइप्स को भी लगा दें। और यहाँ पे मुझे काफ़ी देर हो गई है, देखिए मैंने शाम को काम शुरू किया था, अब हमारे कॉलोनी में रात हो चुकी है, लेकिन मैंने 6 के 6 पाइप 2 से 2.5 घंटे के बीच लगा लिया था। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।